कितना बढ़िया दिन है आज। आज मेरा जन्मदिन भी है और मुझे ऑफिस में प्रमोशन भी मिल गया। सुबह घर में थोड़ा सा झगड़ा हो गया था और वो स्कूटर वाला, उसे मेरी वजह से थोड़ी सी चोट लग गई, पर मैं भी क्या करता, मैं भी तो जल्दी में था और बॉस को प्रोजेक्ट के बारे में झूठ भी बोलना पड़ा। खैर छोड़ो, ये सब तो होता रहता है। ये लो भाई। ये क्या है? ये परमेश्वर पिता का वचन है। परमेश्वर पिता वचन? मैं कुछ समझा नहीं। ये सुसमाचार है जो हमें सच्चे परमेश्वर का उद्धारकर्ता मार्ग दिखाता है। पर मैंने तो बहुत पाप किए हैं और बहुत लोगों को नुकसान भी पहुंचाया है, मैं कैसे उद्धार पा सकता हूँ? परमेश्वर मुझसे कभी प्रेम नहीं करेगा। वो तुमसे प्रेम करेगा, वो पाप से प्यार करता है, पापियों से नहीं। देखो वचन क्या कहता है। मैं शाऊल हूँ, प्रभु के लोगों और विश्वासियों को सताने वाला, उन्हें यातनाएं देने वाला, पर प्रभु ने मुझे चुना और अपने राज्य में प्रचार करने को बुलाया और मुझे प्रेरित पौलुस बनाया। देखो, मैं पतरस, प्रभु यीशु मसीह का एक चेला, उनका शिष्य, जो उनकी हर एक सेविकाए में उनके साथ था, पर फिर भी मैंने प्रभु यीशु मसीह को पहचानने से इनकार कर दिया जब उन्हें पकड़वाया गया और बंदी बना लिया गया। लेकिन जब मैंने पश्चाताप किया, प्रभु ने मेरे पश्चाताप को स्वीकार किया, मुझसे मुंह ना फेरा। देखो मैं जग गई हूँ, क्या मुझको जानते हो? मैं चुगी लेने वालों का मुखिया था, कर वसूलने वाले था। प्रभु यीशु मसीह मेरे घर अतिथि बनकर आए और मेरे हृदय को बदला। इधर देखो, मैं घोड़ा पुत्र हूँ जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने अपने दृष्टांत में लिखा था। मैंने अपने पिता की दी हुई सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया था, पर जब मैं लौटा तो उन्होंने मुझे गले से लगाया। प्रभु भी तुमसे यही चाहते हैं। देखो मैं दाऊद, वो जिसने परमेश्वर के सम्मुख बहुत से पाप किए, अनेक लोगों को मारा, पर मन फिराने के अनुसार परमेश्वर पिता को हमेशा अपने जीवन में पाया, उनकी कृपा और भलाई को हमेशा महसूस किया और एक ऐसा इंसान बना जो परमेश्वर के अनुसार है। मैं हूँ यमुना जिसे जाना था। दिन हुए पर मैंने तरसीस को तरह भागने की योजना बनाई, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, परंतु परमेश्वर ने उस मछली को पेट में 3 दिन मुझे सुरक्षित रखा और निन्वे तक पहुंचाया। वापस जाता है। देखो, मैं वो डाकू हूँ जो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूसित किया गया था, लेकिन जब आखिरी क्षण में मैंने अपने पापों से पश्चाताप किया तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपने राज्य में वारिस बनाया। देखो, अब वो तुम्हें भी अपने संतान बनाना चाहता है। अपने पापों को अंगीकार करो और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करना स्वीकार करो और तुम एक नई सृष्टि बन जाओगे। मैं मानता हूँ। अब हम कुछ वचन देखेंगे पवित्र शास्त्र में से। पहले रोमियो 3:23,
जहाँ लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और फिर हम देखेंगे भजन संहिता 130 का 3 दो 130 का 3 हे यार, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा दे तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। और इसके बाद हम देखेंगे नए नियम में से दो वचन, एक यूहन्ना 1:9 और दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:17, जहां पर ये बताया गया है कि इस युग में जहां परमेश्वर ने अपनी कृपा हम पर दिखाई है, अगर हम अपने पापों का अंगीकार करेंगे और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे तो प्रभु ने हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोला है। हमारे लिए अनंत नरक नहीं है परंतु अनंत जीवन का मार्ग परमेश्वर ने हमें दिखाया है, इसलिए हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास लाना है।